नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। आप देख रहे हैं हारमोनी टीवी मिताली जानी के साथ। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, 10 प्लस डिग्री टेम्परेचर है और हर जगह कनाडा में स्प्रिंग का सेलिब्रेशन भी है। हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। और इस लॉन्ग वीकेंड की एक्टिविटीज हमारे साथ शेयर कीजिए, अपने फंक्शंस, सेलिब्रेशंस, स्पेशली बारबेक्यूज के पिक्चर्स भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ईमेल करें info@harmonytv.ca पर। सबसे पहले सेगमेंट में बात करेंगे यश शर्मा पंडित पंकज दीक्षित के साथ ऑन सम यूजफुल टॉक रिगार्डिंग टू ज्योतिष। इन्फॉर्मेशन सेगमेंट में आज एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जिसे हमारे पूरे एनआरआई वर्ल्ड में जो सफर कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के नाम से, साइकी के नाम से दुनिया को लूटा जा रहा है और कैनेडा में ये काफ़ी प्रचलित है। और पीछे 2015 में भी CTV की न्यूज़ थी कि एडमंटन पुलिस ने सबको आगाह किया कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो फ्रॉड हो रहे हैं। लोग टेम्परेरी वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, पैसे बटोर के निकल जाते हैं। और हफ्ता पहले ही टोरंटो पुलिस ने एक मास्टर राघव नाम के एस्ट्रोलॉजर को पकड़ा है जिसने जानसे से $101,000 जो है वो किसी से लिया और कई लोगों से पैसे इकट्ठे किए। आज जेल की सलाखों में है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे पूजनीय पंडित पंकज दीक्षित जी, जो भारतीय कल्चर सोसाइटी के टेंपल के हेड प्रीस्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में आज हाजिर हैं। आइए इस चीज़ को देखिए कि इसका क्या असर है और पंडित जी का क्या आपके लिए गाइडलाइंस है। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार यश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। पंडित जी, देखिए एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी चलती आ रही है, परंपरा है, और क्या ये एस्ट्रोलॉजी सही बात है? ये एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष भी कहते हैं, ये वेद का भाग है। ज्योति मीन्स लाइट, तो जो हमें दिखाती है लाइट, जैसे हम रात को ड्राइव करते हैं तो हमें लाइट चाहिए रोड पे, ऐसे ही हमारी जो जीवन की रोड है उस पे जो हमें लाइट दिखाती है उसे ज्योतिष कहते हैं। तो डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ वेद। मगर जिस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को उछाला जा रहा है, चाहे वो टीवी का माध्यम है, अखबार का माध्यम है, और मैं गर्व महसूस करता हूँ दर्शकों को कहते हुए कि हमारी छोटी अखबारें होते हुए भी हम ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी ऐड नहीं ले रहे, और जबकि बड़ी बड़ी अखबारें एडमंटन सन, एडमंटन जर्नल, एडमंटन मेट्रो दुनिया भर की ऐड जो है वो ले रहा है और पब्लिश कर रहा है और इसी माध्यम से जो है वो लूटा जा रहा है। तो उसमें एक और बात पंडित जी सुनने को मिली, ये काला जादू क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं काला जादू। हैज नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म। मैंने तो हिंदू धर्म का जितना भी अध्ययन किया है अपने 20-25 वर्ष में, मैंने कहीं ऐसी चीज़ नहीं सुनी काला जादू और ब्लैक मैजिक, और बिल्कुल नहीं हमारे धर्म में लोग बेवकूफ बनाते हैं अगर कुछ ऐसा कहते हैं। तो देखिए, लोग दुखी थे, नौकरी चली जाती हैं, बच्चे खो जाते हैं कनाडा में, लोग अब आपके पास भी एस्ट्रोलॉजी के लिए आते हैं जी। तो आप उनको एक मार्गदर्शन देते हो, तो उसके एवज में क्या आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। शास्त्र का नियम है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, कभी मांगना नहीं चाहिए, स्वेच्छा से जो कोई देते वही सब कुछ है। इसके साथ साथ पंडित जी हमें ये भी बताएं कि जो दक्षिणा दी जाती है पंडित को, और उसकी महिमा क्या है और उस वो किस हिसाब से प्रचलित रही आज तक? प्राचीन काल से ब्राह्मण जो हैं वो वेद के अध्ययन में लगे रहते थे, तो दूसरा कोई जॉब नहीं करते थे। तो बाकी पहले जजमानी सिस्टम था, जो ब्रिटिश पीरियड के आने के बाद वो जो सिस्टम था वो पूरा डिसमेंटल हो गया, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था। तो जजमानी सिस्टम में जो यजमान थे वो अपने पुरोहित को साल भर का भोजन, अन्न सब कुछ प्रोवाइड करते थे, और साथ में जब कभी काम हुआ तो थोड़ा बहुत दक्षिणा देते थे। तो ये दक्षिणा की परंपरा थी, बट इट वॉज नॉट ए बिजनेस, इट्स नॉट ए कमर्शियल इशू कि अगर मैं ये करूँगा आप इतने पैसे देंगे। अगर कोई भी इस तरह कहता है XYZ आइदर फॉर कुंडली और फॉर पूजा कि मैं पूजा करूँगा तो इतने पैसे लूँगा, तो वो शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। और एक बात मैं और पंडित जी आपसे कहना चाहूँगा कि इंडिया में बैठे पंडित जो हैं वो कह देते इतने पैसे जमा करा दिए, एक साल आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए पूजा करेंगे, आपके माता पिता को वो पूजा लगी, क्या इसकी कोई बात में सच्चाई है? ऐसी कोई सच्चाई नहीं। पूजा तभी होती है जब आप साथ बैठ के, सामने बैठ के संकल्प करते हैं, बिना संकल्प के कोई पूजा नहीं होती। मुझे भी बहुत से लोगों ने बताया कि इतने पैसे इंडिया भेज दिए,
मेरे विचार से ऐसे पैसे भेजना व्यर्थ है, ऐसे पूजा का कोई मेथड नहीं कि आप कहीं बैठे पैसे भेज दिए तो पूजा हो गई। नहीं, एक और सच्चाई की बात करूंगा पंडित जी, माता पिता निधन हो जाता है उसके बाद श्राद्ध किया जाता है, तो माता पिता जब जीवित रहते हैं तो उनकी तो सेवा होती नहीं। बाद में कहते हैं जी हमारे माता जी मटर पनीर खाते थे और पंडित को पनीर खिलाएं और ये सारी सेवा करें, क्या ये उससे पुण्य लगता है क्या? हिंदुइज्म का एक बेसिक फंडामेंटल है पुनर्जन्म और कर्म, जिसमें ये बाकी रिलीजन से डिफर करता है। तो पुनर्जन्म और कर्म के आधार पर ही संबंध बनते हैं। ये जो आपने विषय श्राद्ध का पूछा है ये काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ। संसार ये मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन और मृत्यु के बीच हम संबंध बनाते हैं संसार में। तो संबंध दो तरह के होते हैं, एक संबंध जो हम बनाते हैं और एक संबंध जो परमात्मा नारायण बनाता है। परमात्मा जो भी वस्तु हमें देता है उसमें कभी चॉइस नहीं होती। जैसे मृत्यु है, कितनी अशुभ है, अमंगलकारी है, लेकिन कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, किसी को पता नहीं, लेकिन जब आएगी, जहाँ आएगी, जैसे आएगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मृत्यु का मैंने एक एग्जांपल दिया कि चॉइस जब हमारे पास नहीं होती, जब हम संसार में रहते हैं हमारे मित्र बनते हैं, हम जॉब पे जाते हैं वहाँ हमारे मित्र बनते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं हमारे मित्र बनते हैं, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, काफ़ी समय तक रहता है, लेकिन वो कब टूट जाए पता नहीं होता। कोई बात आपकी किसी को अच्छी नहीं लगी तो संबंध समाप्त हो गया, क्योंकि वो संबंध आपने बनाए, क्योंकि मनुष्य मृत्यु धर्म है। कोई भी चीज़ बनाएगा उसका नाश होना ही है, घर बनाएंगे वो भी 20-25 साल बाद नाश हो जाएगा। तो जहाँ पर भी चॉइस नहीं है वहाँ पर परमात्मा है, और जहाँ पर भी चॉइस है वहाँ पर मनुष्य है। आप बाजार जाते हैं, एक शर्ट नहीं लेंगे, 10 शर्ट देखेंगे तब एक शर्ट लेंगे। मित्र भी मैंने अभी आपको बताया कि अपनी चॉइस से आप बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में एक न्याय दर्शन है, उसके आधार पे कहते हैं कि जिस चीज़ का जन्म से कोई संबंध नहीं, उसका मृत्यु से भी कोई संबंध नहीं। तो माता पिता से हमारा संबंध जन्म से पूर्व का है, तो मृत्यु के पार भी जाता है। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तब हमारा शरीर नहीं होता लेकिन संबंध होता है, ऐसे ही मृत्यु के बाद माता पिता का संबंध नहीं होता, संबंध रहता है पर शरीर नहीं होता, इसलिए श्राद्ध की परंपरा चलती है। जब हमारी माता खाती हमें प्राप्त होता है ना, बिल्कुल प्राप्त होता है ना, तो ऐसे ही जब वो नहीं होती तो जो हम उसके लिए देते हैं उसको प्राप्त होता है। वेरी सिंपल प्रिंसिपल। तो ये इसके ऊपर है कि ये माता पिता से हमारा संबंध परमात्मा का बनाया हुआ है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये जन्म से पूर्व का है और मृत्यु के पार जाता है। जैसे माता हमारे लिए ग्रहण करती है, माता खाती है ना, उस समय तो आप कहते हैं बच्चे तो नहीं खाया, माता ने खाया, ऐसे ही जब माता पिता के लिए श्राद्ध करते हैं तो जब उनके लिए किसी को खिलाते हैं तो उनको प्राप्त होता है। बहुत धन्यवाद पंडित जी। देखिए आप सीनियर अफसर भी रहे हैं इंडिया में, और इसके साथ साथ आप देखिए धर्म की सेवा कर रहे हैं। आपने ये जो एस्ट्रोलॉजी और जो बाबे बनना कमर्शलाइजेशन जो पंडताई है उसको लेके आपका क्या प्रतिक्रम है? कमर्शियलाइजेशन तो हर चीज़ में हो गया है, और जब कमर्शियलाइजेशन हो जाता है तो वो कोई चीज़ कमोडिटी की तरह सेल होती है, फिर उसमें जो है ये सेलिंग फीचर देखते हैं, उसका ये नहीं देखते कि सत्य क्या है। यही आज एस्ट्रोलॉजी के साथ हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी इज़ डेफिनेटली ए पार्ट ऑफ वेद, लेकिन उसका आज जैसे आपने खुद ही कहा कि दुरुपयोग हो रहा है, TV में एड्स आ रहे हैं, लोग भेज रहे हैं, जैसा आपने देखा मंदिर में लोग हमारे जो डिवोटीज आते हैं उनकी कार के विंडो ग्लासेस पे लगा जाते हैं। तो लोगों को भी खुद थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, और क्या वास्तविकता है क्या पाखंड है। संसार में धर्म अधर्म दोनों चलते हैं, प्रकाश अंधकार दोनों चलते हैं, तो हमें तो प्रकाश की तरफ जाना, ज्योति का अर्थ ही है प्रकाश। हम क्यों डरें? अगर हमारे को जैसे आपने कहा डिप्रेशन है, भय है, तो जो एस्ट्रोलॉजर आपसे $1,00,000 ले रहा है वो अपना ही भय और भ्रम नहीं दूर कर पड़ा तो आपका क्या करेगा। इसके साथ साथ मैं और भी पूछना चाहूंगा पंडित जी, बाबों का बड़ा बोलबाला है और लोग कहते हैं फला बाबे के जाइए तो बेटा पैदा होगा, इस बारे में भी थोड़ा सा चानना डाले। बाबों के बारे में मुझे विस्तार से कोई इतना मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो जो अपने धर्म के बारे में है उसमें बता सकता हूँ आपको, उस पर आप पूछें। जैसे आपने ज्योतिष का पूछा, हाँ ज्योतिष वेद का अंग है
और इट इज डेफिनेटली ए साइंस जिसके रूल्स हैं, हजारों साल से उस रूल पे चले, लेकिन लोग पढ़ते नहीं, उनको रूल्स को जानते नहीं, एंड दे जस्ट मेक फूल ऑफ पीपल व्हिच इज रॉन्ग। देखिए, आप इतना पढ़ा और इतना लिटरेचर पढ़ा हिंदुइज्म का, और आज जो मार्गदर्शक बन चुकी है हमारी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, आने वाले समय में कि आप सोचते हैं कि आप जैसे सत्य राह के चलते हुए लोग, काफी पंडित जो हैं वो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं? सत्य हमेशा अंत में जीतता है। आप तो भारत से आए हैं, मैं भी भारत से आया हूँ, हमारे नेशनल सिंबल पे ही सत्यमेव जयते। भगवान राम ने 14 वर्ष जंगल में कष्ट काटा, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई। तो कष्ट तो आता है, लेकिन अंत में सत्य ही जीतता है। यही एक वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल है हिंदुइज्म का, कि हम घबराएं ना और हम किसी बात से परेशान ना हों। अगर हम सत्य के मार्ग पे हैं तो परेशानी ज़रूर आ सकती है, लेकिन विजय हमारी ही होगी। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में जो है बिल और ये जो वेजेस हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट है, लोगों को वेजेस नहीं मिलती, बिल मॉर्गेज के खाए हुए हैं, इसी चक्कर में जॉब जॉब चली जाती है, जैसे कहते हैं कि वर्क और वेदर और वुमेन का कुछ पता नहीं क्या हो जाए नॉर्थ अमेरिका में। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या आप क्या गाइडेंस देनी चाहेंगे कि हमारे जो परिवार है वो सुखमय जीवन जो है वो मजा ले सके उसका नॉर्थ अमेरिका में? सबसे बड़ा इसमें हमारा धर्म कहता है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। हम नॉर्थ अमेरिका आए हैं, किस लिए आए हैं, अगर पहले हमें ये कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा परिवार सुखी है, हम सुखी हैं, तो वो संतोष सबसे बड़ा है। कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है, ये संतोष का पैरामीटर नहीं है। अगर हम मैं इस पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति ने देखा कि एक गर्मी का बहुत मौसम है और एयर कंडीशन में एक आदमी गाड़ी से उतरा और उसने बहुत महंगे शूज़ पहने हुए हैं और वो मंदिर में दर्शन करने आया, और वो जो दूसरा व्यक्ति था वो बेचारा नंगे पैर था, गरीब आदमी था, उसने कहा देखो मेरे पैर जल रहे हैं भगवान, फिर भी मैं आपके दर्शन करने आया। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, अगर आपको कल डॉक्टर ही कह दे कि अब आपकी 1 महीने का जीवन शेष रह गया आपको ऐसी बीमारी, हाउ मच यू वुड लाइक टू अर्न देन? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किस जॉब के लिए फिर आप दौड़ेंगे? देखिए, आज जो आपने जो व्यूज दिए हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो बैठे हैं पूरे दर्शक कनाडा में, जाते जाते पंडित जी ऐसी कोई बढ़िया बात सुना के जाए ताकि लोगों का जीवन जो है नॉर्थ अमेरिका में सफल हो सके। मैं तो यही कहूँगा कि आपको कभी भी कोई परेशानी हो, जैसे आपने आज की बातचीत उस पर रखी, जो भी ज्योतिष के नाम पे फ्रॉड करते हैं, और भी मैंने कई बार देखा है बहुत सी समस्याएं होती, मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगा यू जस्ट कॉल द टेम्पल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एंड वी आर देयर टू हेल्प एंड सॉल्व। एंड अगर कोई समस्या बनी है तो उसका समाधान भी बना है। तो अगर आप परेशानी में हैं तो ये नहीं सोचिए कि उसका समाधान नहीं, ज़रूर उसका समाधान उसके साथ ही बन चुका है। जैसे जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है, वैसी समस्या के साथ समाधान जुड़ा है। तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो हल नहीं हो सकती। अगर आप सत्य के मार्ग पे चलें, पेशेंस के साथ चलें, तो हर समस्या सुलझ सकती है। कभी भी घबराएं नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है मामनुस्मर युद्धश्च, जीवन तो एक संघर्ष है ही, लेकिन भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ेंगे तो विजय ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे जल्दी से वापस, डोंट गो अवे। आप अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न एंड बिजनेस अकाउंटिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। Hi, I'm Navjeen Kabarwal from Optimum Immigration. I'm a licensed immigration consultant. If you have any questions related to any immigration or sponsorship or work permits, you can call me at 780-399-5127, 780-490-6090, 780-468-3331. You can also email me at navjeen@optimumgroup.info. Enjoy luxury living at Royal Oaks by Cancom Developments. Location and
complete satisfaction draw our clients to Royal Oaks. We offer fully serviced lots in a broad variety of sizes. Build your dream with us. We are 5 minutes south of Edmonton and 10 minutes from the International Airport. Let your lifetime investment be Royal Oaks. Wondering what's happening in Western Canada? We are presenting Cultural Tadka in Hindi, Punjabi, and English. We are coming every Saturday with news, views, entertainment, and community coverage. Don't forget to watch us every Saturday morning. Harmony TV, celebrating togetherness. Welcome back, friends. आप देख रहे हैं Harmony TV with me, Mitali Jani. हमारा दूसरा सेगमेंट लेकर आया है बहुत ही encouraging and youthful moment. कभी आपने किसी डिसेबल इंसान को मॉडलिंग करते हुए देखा है? Well, this is really empowering and specially for all those जिनको करेज की जरूरत है. मेंटल करेज और उसके साथ साथ थोड़ा सा सपोर्ट तो क्यों ना हो जाए वन मोर सेलिब्रेशन एट वेस्टर्न कनाडा फैशन वीक. Thank you.
gentlemen, our models of diversity, wearing fabulous clothes of Derek Jaganinski from Lux Rentwear. हमेशा याद रखो बॉस लेकर कोई भी सुनहरा मौका होए व्याह शादी या होर किसी तरह दी पार्टी पूरी कलेक्शन बीयर वाइन स्कॉच राय दी थोड़े लिए उपलब्ध है चार लोकेशन तो सेवा कर रहे ने थोड़ी और स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल रेट ली गलबात करो गगन विधु नाल 780-885-9155 Fancy Doors and Moldings ਤੋਂ residential interior and exterior doors, bifolds, clown moldings, baseboards ਤੇ casing ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ accessories ਤੇ locks ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. At Fancy Doors and Moldings, we have worked on a vast variety of projects throughout Alberta, from condos, residential high-rises, homes, and many commercial projects. Our experienced team here at Fancy Doors and Moldings would like to assist you on your next project. Fancy Doors and Moldings, 4421 Roper Road. 780-432-7700 ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਟਰੱਕ ਲੋਨ ਹਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਡਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਕੁਇਕ ਅਪਰੂਵਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ TLH ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਗੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ 587-325-9000 At Maple Dental Clinic, we strive to create a comfortable environment for our patients. We work evening and weekend hours for your convenience. We do Invisalign braces, digital x-rays using modern state-of-the-art equipment. We direct bill insurances. Our staff speak English, Punjabi, Hindi, and Urdu. Hi there, how are you today? At Maple Dental Clinic, how can I help you there? We are here to spread a smile, so please call us at 780-440-5001 to book an appointment.
वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपको हमारा शो कैसा लगा हमें बताना नहीं भूलिएगा। हमें ईमेल करें वंस अगेन info@harmonytv.ca पर। अगर आप चाहें इस एपिसोड को दूसरी बार देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा हार्मनी टीवी शो। जाने से पहले आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग ऑफ द वीक। इस ईस्टर वीकेंड को खूबसूरत तरीके से एंजॉय कीजिए, बारबेक्यू कीजिए, और अगर आप भी स्नो का शिकार होने वाले हो या तो हो रहे हो तो फिंगर्स क्रॉस। मैं चाहती हूँ कि आपका सारा सीजन स्प्रिंग का बहुत ही खूबसूरत जाए। लेकिन स्प्रिंग की शुरुआत है तो उसके साथ साथ स्प्रिंग क्लीनिंग नहीं भूलिएगा। आपको अपने शहर को खूबसूरत रखने के लिए किसी के परमिशन की तो जरूरत है ही नहीं। बस खुश रखें और खुश रहें। हम सिंग चाओ। पूरी फोलिए चढ़ाई ताइयो छड़े जनता जिथे कारनामा कोई हो जे गल्ला साडियां ही करे जनता नी तू फुल्लां तो भी सोल मुटे यार नी दिलों ने बनानी तेरा मेरा प्यार नी नी तू कट्टियां दे कोलो फिरे बचदी मैं कोले पैरां थल्ले नपदा ਮੋਟੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਰੂ ਜਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਣੇ ਨੂੰ।